स्वामी अखंडानंद जी महाराज की एक बात याद आती है. वो कहते हैं एक बार उनका एक साधु चेला उनको कहता है, हम जा रहे हैं यहाँ से, गुस्सा होकर कहते हैं हम जा रहे हैं यहाँ से, मुझे लगता था मेरे ही पास गधेड़े आते हैं, महाराज जी के पास भी बहुत सारे थे सच में. और महाराज जी के पास अति उत्तम शिष्य थे, योग्य शिष्य थे, हमारे पास भी. तो ये मिक्स ब्रीड हमेशा ही रहती. तो महाराज जी को किसी ने कहा गुस्सा होके, हम जा रहे हैं. तो उन्होंने ऐसे 50 रुपए लिए, कहते तो ये किराया ले ले. ले लो भाई जाओ. एक ने कहा महाराज हम आ रहे हैं, बोले आ जाओ हम आश्रम में रहेंगे, बोले रह लो. हम ये नहीं रहेंगे, बोले ना रहो. क्यों? महात्मा कैसा है? आकाशवत. महात्मा कैसा होता है? आकाशवत. महात्मा कैसा होता है? वायुवत. और अज्ञानी कैसा होता है? मूर्खवत. जहां गए वहीं चिपक जाते. अरे जहां जाए वहीं चिपक जाते. यहां तो हम बैठते, हम ही बैठेंगे रोज. अरे आश्रम में तेरे नाम का पट्टा लिखा था क्या? जहां जगह मिले बैठ जाओ. नहीं हम तो आगे बैठे, हम तो आज भी आगे बैठेंगे. ये लड़ रही होती है कई बार, ये भी लड़ रहे होते कई बार, अपना अपना आसन छोड़ जाते. ऋषिकेश में हम कई बार उठवाते हैं, उठाओ किसे रखे यहाँ पे. और ट्रेन का कंपार्टमेंट हो ना तो रुमाल रख देते, ये सीट मेरी है, रुमाल रख, ये सीट मेरी है. जब तक अंदर है कोई और बैठ गया, बोले ये सीट मेरी. वो कैसे? बोले हमने रुमाल रखा. बोले जा ताजमहल पे रख ले, तेरा हो जाए. रुमाल रखने से तेरी कैसे होगी? जो बैठ गया उसकी. सड़क उड़ के वो बंदा सामने सीट में एडजस्ट हो गया, बच्चों को अटैची पे बैठा दिया, पत्नी को पास वाले में बैठा दिया बर्थ पे. अब वो घूरता रहा पूरे टाइम, क्योंकि सीट तो मिली नहीं सबको एक साथ, तो अलग अलग सब बिछड़ गए. फिर टाइम हुआ खाने का, तो जिसने उसकी सीट घेर ली थी उसने खोला डब्बा. जैसे डब्बा खोला, ए भाई साहब ने सारे परौंठे उठा लिए, उठा के भाग लिए. बोले भाई ये क्या है? बोले जिसके हाथ आया उसी का. तू सीट खा बैठ के, तू सीट को खा. तू नहीं तो कहा ना जिसके हाथ आया उसका है. अब मैं खाऊं, मेरे बच्चे खाएं, मैं फेंक दूं, मैं जो मर्जी करूं. पकड़ के बैठ जाता है, अटक जाता है जो, वो मूर्ख है. और जो कहीं नहीं अटकता, आकाशवत, पागलवत, वायुवत. अब तीनों उदाहरणों में तीन अलग अलग पक्ष रखे हैं उन्होंने. मूर्खवत जब कहा तो कईयों को लगा है ये क्या बोल रहे हैं, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. जो ज्ञान का अभिमानी हो जाएगा वो दूसरों को उपदेश देना चाहेगा, जो ज्ञान का अभिमानी हो जाएगा वो अपना वर्चस्व दूसरों को दिखाना चाहेगा. पर जिसने ज्ञान का निश्चय करके ठहराव में चला गया है वो हम ऐसे ही अच्छे. अगला श्लोक लेते हैं. उपाधि विलयादि विष्णो निर्विशेषं विशेन मुनि जले जलम व्यद व्योमनि तेजस तेजसी वायथ. उपाधि विलयात विष्णो. ये उपाधियां जो हैं, कौन सी? शरीर की, मन की, बुद्धि की, प्राण की. ये उपाधियां एक समय ऐसा आएगा जब विलय हो जाएंगी, तब
निर्विशेषम विशेषत मुनि. तो ये जो मुनि है वो तो अपने आत्म स्वरूप में ही लीन होगा और उपाधियां वो बाहर अपने अपने मूल तत्वों में लीन हो जाएंगी. शरीर पंचभूतों में चला जाएगा, प्राण महाप्राण में, मन माया में, बुद्धि अहंकार में. वो जो मैं हूं वो तो जस का तस सच्चिदानंद. उपाधियां विलीन हो जाती हैं, होएंगी. जले जलम वियत व्योमणि, जैसे जल जल में और जैसे व्योम में व्योम. व्योम माने स्पेस, फिर से आकाश की बात आ रही. जैसे आप जल में जल डाल दो तो उसके बाद पहचान सकते हो कि मेरे वाला जल कौन सा है. जब मकान बना है तो मकान के अंदर आकाश, फिर और बाहर आकाश, फिर हमने मकान की दीवारें सारी तोड़ दी, मकान पूरा ही तोड़ दिया, अब आकाश आकाश एक हो गए. कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन बिटवीन द स्पेस विच वॉज देयर इन साइड द हाउस एंड द आउटसाइड ऑफ द हाउस वंस द वॉल्स आर ब्रोकन? नो. ये देह इंद्रिय मन बुद्धि का संघात जब तक बना है तब तक मैं अंतःकरण में मैं फुर्ती रहती है. पर जहां ये उपाधि लीन हुई, कौन सा भेद रह जाएगा? कोई भी नहीं. जल जल में समाया, आकाश आकाश में समाया, तेज तेजसी वायतः. और जैसे तेज में तेज मिल जाए, कैसे ढूंढेंगे कौन सा तेज किस में मिला? आपने माचिस जलाई और माचिस की तीली यज्ञ अग्नि में डाली और फिर वहां अग्नि प्रज्वलित हो गई. अब आप ढूंढ सकते हैं कि वो जो पहली तीली में आग थी वो कहां है इसमें? माने सामग्री पड़ी है कुंड में, आपने आग जलाई, आपने अंदर रखी, फिर वो सारी आग बड़ी हो गई, जल गया, जल रहा है, जल रहा है, जल. अब आप ढूंढ सकते हैं कि मैं मेरी वाली मेरी अग्नि वापस करो? अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में, जल जल में मिल गया, कैसे? अब तो कोई भेद ना रहा. माने जब तक ज्ञानी का शरीर है वह असंग आत्मा में ही स्थिर है और जो उसकी उपाधियां हैं साथ में हैं, पर उपाधियों में होके भी वो उपाधियों से असंग है. और फिर जब उपाधियां लीन हो जाती हैं तो हो जाए, वो तो पहले से ही असंग था. घड़ा टूट जाने पर क्या आकाश भी टूट जाता है? घड़ा टूट जाने पर आकाश नहीं टूटता. शरीर के मरने पर भी मन जिंदा है जिसका. काय से जिंदा? कामनाओं से. काम 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 जिंदा है. और जिसका काम जिंदा है वो ये काम ही वापिस किसी के वीर्य में तुम्हें डाल देगा. किसी वीर्य में वो पहुंचा देगा. क्यों? कामनाएं. तो जब तक कामनाएं हैं तब तक यात्रा विलीन खत्म नहीं होती, वो चलती रहती. अब किसी के पुरुष के शरीर के माध्यम से किसी स्त्री के गर्भ में स्थापित हो गया, फिर नया शरीर बन गया स्थूल. अब इस शरीर में फिर कामनाएं, फिर कामनाएं, फिर कामनाएं, फिर कामनाएं, फिर कामनाएं, फिर दौड़ो 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 कामनाओं के पीछे. अब पूरी तो होनी नहीं है. शरीर बेचारा फिर थकार के मर जाता है, कामनाएं फिर जिंदा है, फिर यही काम पुनः फिर किसी वीर्य में. है ना? ये बच्चा है ऋषि के शिविर में, इसने सुना. तो एक दिन रात्रि को सब बच्चों के साथ हम बैठे
जो भी बच्चे आए थे सेवा में थे या जो छोटी उम्र के थे सबके साथ ऋषिकेश बैठे तो बात हो रही थी. किसी ने प्रश्न उठाया बच्चे ने कि जो आप बोलते हैं कि एक शरीर चला जाएगा और फिर दूसरे में जाएगा तो मन वही होगा कि कोई और होगा, ये प्रश्न उठाया. तो मैं उत्तर दे रही थी, इतने में एक बच्चा बोला कहते अच्छा जैसे डेटा प्लान खत्म हो गया तो हम फिर से डेटा डलवा लेते. मैं बिल्कुल मॉडर्न टाइम्स के मॉडर्न वेदांत के एग्जांपल. और आपका सिम कार्ड वही होता है, आप फोन बदल लेते हो. पहले आईफोन 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, इसके बाद मैं कल सीधे ही 10 आ गया था, फिर सीधे 10 आया या जो भी है, तो कार्ड वही चल रहा है, बॉडी बदली जा रही है. आपके कार्ड में जो कुछ स्टोर है वो वही का वही है. अब किसी के पैसे बड़े खत्म हो गए तो उसने अपना आईफोन बेच के एक थोड़ा सस्ता वाला ले लिया, नोकिया ले लिया, सैमसंग ले लिया, कोई भी समझ लो. मैं ये नहीं कह रही अच्छा बुरा नहीं, मैंने उसको लगा कि मैं ये नहीं रख सकता, कार्ड वही है. तो तुम्हारा मन बुद्धि क्या है वो सिम कार्ड है. शरीर बदलते रहते हैं, सिम कार्ड वही चल. एक ने कहा नहीं जी हमने सिम कार्ड तोड़ दिया, अब खत्म सब. जी नहीं, कंपनी के वहां सब कुछ स्टोर होता है. हाँ, इसे हम क्या बोल देंगे, चित्त. इसे कहते हैं चित्त, सबकॉन्शियस में सब स्टोर रहता है. और सच ये है कि कंपनी भी उसको डिलीट नहीं कर पाती, वो बना ही रहता. अच्छा कब कब खत्म होने की संभावना हो सकती. जैसे कई बार मैं हंसती हूं, मैं कहता जो चीज YouTube में चल गई वो अमर हो गई. हाँ कभी किसी बेवकूफ पॉलिटिशियन की गलती से न्यूक्लियर बम एक्सप्लोजन हो गया और सब है ही खत्म हो गए, ऑल द सैटेलाइट्स एंड एवरीथिंग, देन ओनली वी कैन से एवरीथिंग विल फिनिश अप. सो आपके मन की इच्छाएं पे लगाम लगा लीजिए, नहीं तो तैयार रहिए. लाख बोल लो भगवान मुक्ति दे दे, मुक्ति दे दे, मुक्ति, भगवान कहां से मुक्ति देगा जब बंधन तुमने खुद ने गले में बांध के रखे होंगे. तो भगवान क्या करेगा उसमें, वो गंगा जल क्या करेगा तेरे मुंह में, वो तुलसी दल क्या करेगा तेरे मुंह में डाल के, वो पंडित का पढ़ा गीता का पाठ उस समय तेरे किसी काम ना आएगा. क्यों, मन में कामनाएं हैं. कामनाएं मतलब द नेक्स्ट जर्नी बिगेन्स हैंस फोर्थ. छोटी सी एक बात कह दूं कि बीच में कईयों के मन में ये फुर रहा है भाई ये सब स्यापा शुरू क्यों हुआ और कब हुआ. इसे कहते हैं अज्ञान का आदि कुछ नहीं होता, अज्ञान का सिर्फ अंत होता है. अज्ञान का आदि कुछ नहीं होता. ये कब से शुरू हुआ ये प्रश्न बनता नहीं, ये तो ऐसे हो गया. अच्छा आपसे मैं पूछूं, आप में यहां जो बैठे किसको लगता मैं सबसे अकलमंद हूं, वो हाथ खड़ा करे. देखो भगवान मूर्खों को सुना रहे हैं वेदांत. ये मोबाइल फोन हमें किसने दिया बताओ, ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हो. अच्छा ये आपको कब से नहीं पता, ये बता सकते हो. बात समझ रहे हो, अज्ञान कब से हुआ दैट कैन नॉट बी
said with conviction and perfection. ये जो फोन है ये हमारे दिल्ली के एक शिष्य ने हमें भेंट किया था अब आपको हम नाम तो नहीं बताएंगे तुम उनके पास चले जो हमें भी भेंट दे दो सुना आप फोन भेंट देते हो कब से है अज्ञान ये नहीं कहा जा सकता पर उस अज्ञान का नाश किया जा सकता है ऐसे ये मन कब से हुआ ये इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता पर इस मन की राग द्वेष आदि राक्षसा नाम को नष्ट किया जा सकता है इस मन में पड़े अज्ञान को नष्ट किया जा सकता है और ब्रह्म ज्ञान के विद्या से ये काम हो सकता है सो उस काम को करिए आप जले जलम विहद व्योमनि तेजस तेजसी वा यथा जैसे जल जल में आकाश आकाश में और रोशनी रोशनी में मिल जाती है ज्ञानी की ये जो उपाधियां हैं एक दिन जब लीन होंगी तो सब मूल में वापस मिल जाएंगी मन कामना शून्य हो चुका है इसलिए अब वो पुनः किसी के वीर्य में जाने वाला नहीं है अच्छा कहो ज्ञानी आई गया ज्ञानी ने कहा नहीं 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 ये इतनी मुश्किल से ज्ञान हुआ है ये ज्ञान तो और भी योग्य व्यक्तियों को मिलना चाहिए और ज्ञानी का शरीर खत्म हो रहा था और ज्ञानी ने ये संकल्प किया आएगा जरूर आएगा आएगा बिल्कुल पर जैसे वो अभी उपाधियों में रह के भी उपाधियों से असंग है ऐसे ही वो उस नए शरीर में आकर के भी उस नए शरीर से असंग है वो मुक्त था वो मुक्त रहता है वो जन्म लेके भी बंधन में नहीं होता ये ना कहिए कि ज्ञानी का जन्म होता है या नहीं होता है अरे भाई ज्ञानी जब शरीर में होता है वो तब भी स्वयं को अजन्मा ही जानता है तो अभी भी जब जन्म नहीं तो फिर कैसे जन्म का दुख हो सकता है तुम कहते हो मेरा हैप्पी बर्थडे इस दिन ज्ञानी से पूछो कहते मुझे जन्मे का कब जन्म मुझे असंग का किसी से संग ही नहीं हुआ बाकी की चर्चा शाम को करें